मेरी सरकार नूं बेनती है कि मेक इन इंडिया के तहत चाइना तो स्क्रू जिहड़ा आ जां ते इंपोर्ट ड्यूटी वधाई जावे जां उहनूं बंद किया जावे कि यह इंडस्ट्री जिहड़ी आ आजादी तो पहलों की स्थापित है और सारे देश नूं स्क्रू सप्लाई करती है यह बचाई जा सके। मैं आप जी का ध्यान देश की आजादी तो पहलों जिहड़ी स्क्रू इंडस्ट्री अमृतसर विखे स्थापित हुई सी उहदे वल दिवाउणा चाहुंदा आ। 500 तो 600 यूनिट सी 2010 तक, पर चाइना की इंपोर्ट करके स्क्रू चाइना तो लिया करके ये इंडस्ट्री जिहड़ी है अज 100 के करीब यूनिट रह गया है। और चाइना के रॉ मटीरियल सस्ता है, लेबर सस्ती है, सरकार का हाँ पक्षी रवैया है, पर साडे रॉ मटीरियल महंगा होने करके इंडस्ट्री कामयाब नहीं हुई। रॉ मटीरियल लिया वास्ते इंडस्ट्री को इजाजत दी गई इंपोर्ट करने की, पर वड्डे हाउस इंडस्ट्री हाउसा ने वो कैंसल करा दी गई, रॉ मटीरियल नहीं सी मिलता, साडी इंडस्ट्री उन्हों का मुकाबला नहीं कर सकती। पर 2014 च मेक इन इंडिया का जिहड़ा एक स्लोगन दिता गया इंडस्ट्री वास बची, पर GST 6.05 तो 18% कर दिता गया चैप्टर 83 दियां जिन्नियां भी जिन्ने भी उहदे अधीन आउंदे सी, अरल हो गया, कब्जे हो गए, जो भी समान बनता सी। मेरी सरकार नूं बेनती है कि मेक इन इंडिया के तहत चाइना तो स्क्रू जिहड़ा आ जां ते इंपोर्ट ड्यूटी वधाई जावे जां उहनूं बंद किया जावे जां सरकार GST जिहड़ा आ चैप्टर 83 दियां आइटमां दे उत्ते 5% किया जाए ताकि यह इंडस्ट्री जिहड़ी आ आजादी तो पहलों की स्थापित है और सारे देश नूं स्क्रू सप्लाई करती है यह बचाई जा सके। धन्यवाद।